गुड मॉर्निंग डॉक्टर ज्योति, हमने सुना है मेनोपॉज किसी भी महिला की जिंदगी का बहुत नाजुक दौर होता है, ये क्या होता है मेनोपॉज, इसके बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग, मेनोपॉज एक बहुत डेलिकेट समय होता है एक औरत के लिए, क्योंकि इन दिनों में उसके महावारी बंद हो जाती है, यानी कि पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि इन दिनों में उसके अंदर ईस्ट्रोजन के नाम का एक हार्मोन होता है जो बनना बंद हो जाता है, और इस हार्मोन की कमी के कारण उसे कुछ शारीरिक चेंजेस फील होते हैं और कुछ मानसिक चेंजेस भी फील होते हैं। यह आमतौर से किस उम्र में होता है? आमतौर से इसकी उम्र होती है 50 साल ऑन एवरेज, लेकिन ये 5 साल पहले भी हो सकता है और 5 साल बाद भी, यानी कि 55 साल की उम्र तक भी हो सकता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं आमतौर से 2 महीना या 6 महीने तक लास्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी सिम्टम्स 2 साल या 5 साल तक भी चल सकते हैं। इस दौरान किसी महिला को क्या महसूस हो सकता है, क्या शारीरिक और मानसिक चेंजेस हो सकते हैं? इन दिनों में उसको सबसे पहले तो एक मूड चेंजेस होते हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। उन मूड चेंजेस में उसको या तो कभी बहुत गुस्सा आ सकता है, या डिप्रेस हो सकती है, या वो चिड़चिड़ी हो जाती है, तो घर वाले फील करते हैं कि ये नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही, ये थोड़ी सी इरिटेबल सी हो जाती है। दूसरा, उसको कुछ बहुत गर्मी लगती है, पसीने आते हैं, सोते सोते नींद खुल जाती है, जिन्हें हम हॉट फ्लैशेस बोलते हैं। तो रात को कई बार उसको 8 या 10 बार हॉट फ्लैशेस के कारण उसकी नींद खुल सकती है। थर्डली, उसके अंदर मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, जैसे कि महावारी बहुत हैवी हो सकती है, जिसके कारण उसको एनीमिया भी हो सकता है। तो इन सिम्टम्स के बचने के भी कुछ उपाय हैं? हाँ जी हाँ, अगर उसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की आदत है या फिर इस समय वो अपना ले, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करना, डेली वॉक पे जाना, एरोबिक्स करना या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करना, या अगर वो योगा की शौकीन है तो योगा कर सकती है, प्राणायाम कर सकती है, इन सब से उसका जो मानसिक संतुलन है वो सही रहता है और वो इन सिम्टम्स को ज़्यादा अच्छे से झेल सकती है। सेकेंडली, इन दिनों में जो खान पीन भी जो होता है उसको थोड़ा सा नॉर्मल और हेल्दी रखना चाहिए, ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा फैटी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए। थर्डली, अगर फैमिली सपोर्ट करें तो उसको ये सिम्टम्स को झेलने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर इन दिनों में उसे किसी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है तो क्या इसके कुछ ट्रीटमेंट पॉसिबल है? हाँ जी, अगर या तो बहुत इरिटेबल हो रही है, बहुत डिप्रेशन हो रही है, या हॉट फ्लैशेस बहुत तंग कर रहे हैं, तो हमारे पास ट्रीटमेंट है। हम उसको ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं, यानी कि जो ईस्ट्रोजन उसके अंदर कम हो गया है उसको हम टैबलेट के जरिए या जेल्स के जरिए या कुछ पैचेस होते हैं जो स्किन पर लगा देते हैं, वैसा दे देते हैं, जिससे वो सिम्टम्स को आसानी से झेल सकते हैं। यदि उसे किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है तो फिर भी क्या उसे डॉक्टर से मिलना जरूरी है? जी हाँ, जरूर मिलना चाहिए। ये समय एक ऐसा है जब बीमारियां शुरुआत होती हैं ओल्ड एज की लेडीज में, तो ये बीमारियां होती है जैसे ब्लड प्रेशर की शुरुआत हो सकती है, डायबिटीज की शुरुआत हो सकती है, थायराइड इन दिनों में ही कई लेडीज को स्टार्ट होती है, और कुछ कैंसर्स जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, कैंसर ऑफ द सर्विक्स या यूट्रस का कैंसर, उनके भी यही समय होता है शुरुआत होने का। तो ये समय बहुत अच्छा है कि जाइए, एक बार जाके डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए कि इन सब बीमारियों के कोई लक्षण तो नहीं आ रहे हैं, तो उनके अगर टेस्ट हो जाए तो वो एक तरह से निश्चिंत हो जाएगी कि उसको ये वाली प्रॉब्लम्स नहीं है। सेकेंडली, एक प्रॉब्लम होती है हर लेडी को मेनोपॉज के बाद, वो है ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स की वीकनेस की, तो उसके लिए भी एक बोन स्कैन करा देना चाहिए और रेगुलर कैल्शियम लेना शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि आज हमने जाना कि मेनोपॉज जो एक महिला के शरीर का नेचुरल प्रोसेस है और इसके दौरान वो कहीं मानसिक और शारीरिक बदलाव अनुभव करती है, तो उसे यदि कोई भी तकलीफ है या नहीं डॉक्टर से मिलना चाहिए, इसके बारे में सही जानकारी लेनी चाहिए। थैंक यू।